दोस्तों राधे श्याम, डेली डॉट ERP 9 में आज आप सीखेंगे कंपनी बनाना और GST इनेबल करना। और आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और आगे ऐसी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जिससे समझना आसान हो और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। और अब मैं आप को स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये गेटवे ऑफ डेली की स्क्रीन आ चुकी है। अब आज हम यहाँ कंपनी बनाना सीखेंगे। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले F1 सिलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है, या इसको दबाना है, या फिर ऑल्ट F1 को दबाना है। सिलेक्ट कंपनी आ गई, अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो इस पर दबाना, नहीं तो आपको ये क्रिएट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आना है। यहाँ पर आपको इंटर दबाना है। अब ये आपके नई कंपनी बनाने का खुल गया है। अब इसमें आप कंपनी बना सकते हैं। जैसे मैं कंपनी बना रहा हूँ, राजेश एंटरप्राइजेस। राजेश एंटरप्राइजेस यह नाम लिख दिया है कंपनी का। अब मेलिंग में यही नाम रहेगा। एड्रेस में आपके पास जो भी एड्रेस होता है वो आप डाल सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा एड्रेस आपके जहाँ कंपनी है उसका। जैसे मान लो मैं डाल देता हूँ उदयपुर की कंपनी, उदयपुर डाल दिया। इसमें कंट्री में इंडिया ही रखना है आपको। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट पे आप रहने वाले हो उस स्टेट का नाम लिखना है, या इस साइड में लिस्ट में स्टेट आ जाते हैं। जैसे आप राजस्थान के हो तो R दबा दो, यहाँ राजस्थान आ गया। ऑटोमेटिक पिन कोड नंबर यहाँ डालना है आपको, 3138001 डाल दिया मान मैंने। यहाँ आपको फोन नंबर हो तो वो डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, टैक्स नंबर हो तो वो, ईमेल आईडी हो तो वो भी डालनी है, वेबसाइट है वो भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ ये 1/4/2021 ये डेट रहेगी। यहाँ आप जिस दिन से काम कर रहे हो वो भी डाल सकते हो, 1/4/2021 भी रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पासवर्ड का आता है, आपको अगर पासवर्ड की जरूरत होती है तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं जरूरत होती है तो नहीं भी डाल सकते। अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ इसमें। ये आपके सिक्योरिटी के लिए है, इसको यस करना चाहो तो करो, नहीं भी कर सकते हो। इसके बाद ये इंटर 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 देकर आपको कंपनी से एंटर करके बाहर आना है। ये कंपनी आपकी राजेश एंटरप्राइजेस के नाम से बन गई। अब आपको GST इनेबल करने के लिए जाना है अंदर। सबसे पहले आपको F11 दबाना है। इसके बाद में आपको स्टेटरी ऑफ टैक्सेशन में आना है। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है GST का। अब आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको हमेशा यस करना है। उसके बाद में आपको नीचे वाला ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी यस करना है। अब इसमें आपके जो जो मांग रहा है वो सब भरना है। जैसे स्टेट राजस्थान में रजिस्ट्रेशन, अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर, कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है आपका 3 मंथ जो रिटर्न भरी जाती है उसके लिए, और रेगुलर मंथली होता है वो रेगुलर। इसको नो ही रहने देना है। यहाँ आप डालना चाहो डाल सकते हो, 1/7/2017 से जो GST एप्लीकेबल हुई थी वो है। यहाँ आपको GST नंबर डालने हैं। सब राज्यों के कोड अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान का कोड है 08, मैं यहाँ के डाल रहा हूँ। यहाँ अगर आप गलत GST नंबर डालोगे ये बता देगा गलत है यूँ। अभी ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, यानी कि सही है। यहाँ मंथली रहने दे रहा है। ये बिल को हमेशा नो करना है। यहाँ
नौ करना है, उसके बाद आपको इंटर 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 करके बाहर आ जाना है। अब हम बाहर आ रहे हैं कंपनी से। अब हम कंपनी से बाहर आ रहे हैं, ये बाहर आ गए, ये अब कल हम लेजर के बारे में बात करेंगे, आगे लेजर बनाएंगे।